मुरैना आरटीओ ने चेकिंग प्वाइंट लगाकर हाईवे चुनाव के लिए 350 वाहन सेक्टर अधिकारियों के लिए 550 पुलिस व 450 बस पोलिंग बूथ पार्टियों के लिए पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। लोकसभा निर्वाचन को अब महज 6 दिन का समय शेष रह गया है। प्रशासन ने मतदान के लिए व्यवस्थाएं जुटाने में तेजी लाना शुरू कर दिया है। आरटीओ और चुनाव परिहार ने वाहनों के अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें चार पहिया वाहन, बस, ट्रक सभी को अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे निर्वाचन के काम में पुलिस सेक्टर ऑफिसर और पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा, जिससे निर्वाचन का काम तत्परता से किया जा सके। आरटीओ ने इस दौरान वाहनों को चेकिंग के दौरान अधिग्रहण करने के बाद एसएएफ मैदानों में वाहनों को खड़ा कराया है, जिससे समय पर इन्हें उपलब्ध कराया जा सके। आरटीओ अर्चना परिहार ने बताया कि निर्वाचन के लिए जैसे डिमांड आई उतने वाहन हम उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 350 चार पहिया वाहन सेक्टर अधिकारियों के लिए अधिग्रहित किए जा रहे हैं, जिससे अधिकारी विभिन्न मतदान दलों का निरीक्षण करने के लिए जाएंगे। जिले भर में यह वाहन सेक्टर अधिकारियों को सौंपे जाएंगे। इसी तरह 550 चार पहिया वाहन पुलिस को दिए जाएंगे। पुलिस के दस्ते इन गाड़ियों से भ्रमण करेंगे। इसी तरह 90 के अधिक ट्रकों को भी अधिकृत किया जाएगा। इन ट्रकों से सामान की ढुलाई आदि का काम कराया जाएगा। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक छोड़ने की व्यवस्था बसों से रहेगी। इसके लिए 450 बसों को भी अधिकृत किया जाएगा, जिससे सभी पोलिंग पार्टियां पूरी तरह से सुरक्षित रहकर समय पर पोलिंग बूथ पर पहुंचे। इसके लिए निरंतर वाहनों को अधिग्रहण कर पार्टियों को सौंपे जाएंगे। मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। कि आपको जानकारी हो कि अपने जो निर्वाचन कार्य की पूरी तरीके से चालू हो गया है, इसके तहत हमने गाड़ियों का अधिग्रहण करना आरंभ कर दिया है। सेक्टर ऑफिसर को 170 और क्लस्टर मजिस्ट्रेट को 96 व्हीकल, इसके अलावा प्रति विधानसभा एसएसटी एफएसटी बीएसटी को कुल मिलाकर के लगभग 350 गाड़ियां हमने आवंटित करी है। शेष पुलिस की जो फोर व्हीलर है वो 550 की संख्या में रहेगी। इसमें ट्रकों की संख्या है 96। ओवरऑल जो हमने पूरे इलेक्शन के दौरान जो भी गतिविधियां रहेंगी, जिसमें अपने फोर्स का सामग्री वितरण का है, मशीनों का ट्रांसपोर्टेशन है, इन सभी को मिलाकर अपनी 417 बसेज रूट के लिए रवाना होंगी, जो कि मतदान दलों को लेकर के जाएंगी 7 तारीख को। इसके अतिरिक्त पुलिस के लिए 108 बसों की रवाना। अच्छा, और फोर व्हीलर 550 पुलिस के लिए रहेंगी, 350 अपने जो प्रशासनिक जो सेक्टर ऑफिसर्स वगैरह हैं, एसडीएम महोदय, उनके लिए। अभी तक अधिग्रहण हो चुका है? अभी लगभग सभी डिमांड अनुसार वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है, उनका आवंटन का कार्य भी चल रहा है।